स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ विजय यादव। प्रदेश में कोरोना के चलते संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया, जिसमें यूपी के 15 जिलों को सील करने के आदेश दिए गए। उनमें मेरठ भी शामिल है। मेरठ में 12 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए, जहां से सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। इन जगहों पर पुलिस के अलावा सभी का जाना प्रतिबंधित है। मीडिया को भी यहां पर प्रतिबंधित किया गया है, जबकि यहां पर ड्यूटी दे रहे पुलिस वाले मास्क ना लगाकर अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाले हुए हैं। बता दें, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 30 अप्रैल तक सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस का जिस तरीके से संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, उससे बचने के लिए 15 जिलों को सील करने के साथ ही लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के इन आदेशों की अवहेलना मेरठ पुलिस करती नजर आ रही है। जनता को तो मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही है, लेकिन खुद मास्क लगाए नहीं दिखाई दे रही है। हमारी इंडियन प्राइम न्यूज की टीम ने जब रियलिटी चेक की तो देखा चौराहों पर बैठे सिपाही से लेकर दरोगा तक ने मास्क नहीं लगाया था, जबकि ये लोग संक्रमण वाले जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी तो मुस्तैदी के साथ दे रहे हैं, लेकिन मास्क ना लगाकर अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाले हुए हैं। और जब मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना मेरठ पुलिस कर रही है, तो जनता कैसे जागरूक होगी। मेरठ पुलिस सभी चेकिंग के नाम पर आम जनता का उत्पीड़न कर रही है। अभद्र व्यवहार के साथ ही हेलमेट और कागजों की चेकिंग कर रही है। इसके रियलिटी चेक पर हमने देखा यह सच्चाई है। मेरठ पुलिस के दो दरोगा जो सिविल लाइन थाने में तैनात है, आम जनता को रोककर हेलमेट और कागजों की चेकिंग करते दिखाई दिए। नहीं दिखाने पर गाली तक दे रहे हैं। ये गाली बात दरोगा शायद मेरठ पुलिस के आला अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब मेरठ पुलिस आम जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है और खुद मास्क ना लगाकर मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रही है, तो जनता कैसे जागरूक होगी। मेरठ पुलिस ने मास्क लगाने को लेकर अब तक 30 लोगों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन आम जनता पर ही क्यों यह आदेश लागू हो रहे हैं। पुलिस भी मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करे, तभी जनता को जागरूक करेंगे। प्रदेश सरकार ने 15 जिले सील कर दिए हैं, जिसमें मेरठ भी शामिल है। मेरठ के 12 हॉटस्पॉट चिन्हित करे गए हैं, जहां पर पुलिस अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रही है, पर वहां पर पुलिस का एक लापरवाही भी सामने नजर आ रही है। पुलिस अपने बिना मास्क के अपनी ड्यूटी निभा रही है और अपने परिवार को भी खतरे में डाल रही है। IPN न्यूज़ मेरठ, शुभम शर्मा।